नमस्कार, मैं दीपक और आप देख रहे हैं मृदुभाषी की खास पेशकश नेशनल बुलेटिन, जिसमें हम आपको बताएंगे हमारे देश समाज से जुड़ी आज की वह तमाम बड़ी खबरें जो आपको जानना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों का रिवीजन। राहुल गांधी ने दावा किया है कि इसी साल होने वाले 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव जीत रही है। तेलंगाना जीत सकते हैं, राजस्थान में मुकाबला करीबी हो सकता है, लेकिन उन्हें यकीन है कि जीत कांग्रेस की ही होगी। राहुल गांधी रविवार को दिल्ली में एक मीडिया हाउस इवेंट में मौजूद थे, वहीं उन्होंने ये सब बातें कही। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP के प्रमुख शरद पवार शनिवार 23 सितंबर को एक बार फिर कारोबारी गौतम अडानी के साथ नजर आए। दोनों अहमदाबाद में भारत के पहले लैक्टोफेरिन प्लांट के उद्घाटन के मौके पर पहुंचे थे। इसके बाद शरद पवार गौतम अडानी के घर और ऑफिस भी गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार 24 सितंबर को 9 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम से जुड़े, ये ट्रेनें 11 राज्यों के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाएगी। वहीं इन राज्यों में राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, ओडिशा, झारखंड और गुजरात शामिल है। शिवसेना उद्धव गुट सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ को चिट्ठी लिखी है। इसमें 21 सितंबर को संसदीय कार्यवाही के दौरान महिला विजिटर्स की तरफ से की गई नारेबाजी पर एक्शन की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के वक्त सांसदों की तरफ से बुलाई गई कुछ महिलाओं ने राजनीतिक नारेबाजी भी की थी। महाराष्ट्र के नागपुर में शनिवार तड़के 3 घंटे में 109 मिलीमीटर बारिश हुई। इससे शहर में बाढ़ आ गई और करीब 10,000 घरों में पानी भरा गया। हालांकि बारिश पर ब्रेक लगते ही जो इलाके पानी में डूब गए थे वहां से पानी निकाल लिया गया। हालांकि घरों, दुकानों और गाड़ियों को नुकसान हुआ है। अयोध्या में राम मंदिर के सी द्वार बनकर तैयार हो गए हैं। मंदिर ट्रस्ट ने रविवार को इसकी पहली तस्वीर जारी की है। वहीं राजस्थान के सैंडपिंग स्टोन से बनाए गए इस द्वार में नागर शैली की डिजाइन है। फूल पत्ती को उकेरा गया है। वहीं द्वार के दोनों तरफ देवी देवताओं की मूर्तियां अभी उकेरी जानी है। लखनऊ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS प्रमुख मोहन भागवत का 3 दिवसीय प्रवास का रविवार 24 सितंबर को आखिरी दिन है। प्रवास के दूसरे दिन भागवत ने कार्यकर्ताओं से दलित और गैर हिंदुओं के बीच जाकर ज्यादा काम करने को कहा। साथ ही गुरुद्वारे, चर्च और मस्जिदों में जाकर लोगों से संपर्क करने की बात भी कही है। मन की बात के 105वें एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रयान 3 और G20 समिट की सफलता पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे चंद्रयान की सफलता के लिए कई पत्र मिले। भारत ने इस समिट में अफ्रीका को फुल मेंबर बनवाकर अपनी लीडरशिप का लोहा मनवाया है। भाजपा की तरफ से दनिश अली पर आरोप लगाया जा रहा है कि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने स्पीकर को लेटर लिखा। इसमें कहा गया कि दानिश ने PM मोदी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। यह सुनकर रमेश बिदुड़ी खुद को रोक नहीं पाए और बसपा सांसद को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया। टीम इंडिया ने वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 400 रन का टारगेट दिया है। टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 5 विकेट पर 399 रन बनाए। यह भारत का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे क्रिकेट का सबसे बड़ा स्कोर है। इससे पहले भारतीय टीम ने 2013 में बेंगलुरु में 383 रन का स्कोर बनाया था। खैर, अभी के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे दिन भर की हुई बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए मृदुभाषी को सब्सक्राइब करना न भूलें। कल देखिए मृदुभाषी प्रदेश की खबरों का पंच, MP Top 5, फेसबुक और यूट्यूब पर सुबह 8:30 बजे।